Hello friends, welcome to my channel, It's Baby Life. Today we'll discuss some vocabulary, means the words to use instead of very. Like we can say a different word for very sad. Is lesson ka aim kya hai? Isse aapki vocabulary increase hogi aur aapki fluency increase hogi. Matlab agar aap very sad ko kuch aur bolte hain ek single word mein, to isse aapki fluency par asar padta hai aur aapko ek naya word seekhne ko milta hai. सो फर्स्ट वर्ड देखते हैं, वेरी काम और पीसफुल. इसको आप लिख सकते हैं सीरीन और ब्लेसिड. एग्जाम्पल, द चाइल्ड्स फेस वाज सीरीन एंड ब्यूटीफुल. मतलब बच्चे का चेहरा बहुत शांत और सुंदर लग रहा था, प्यारा. वेरी एक्साइटेड मीन्स थ्रिल्ड, स्टोक्ड और एजिटेटेड. एग्जाम्पल, आई एम स्टोक्ड अबाउट आवर फर्स्ट ट्रिप टू पेरिस. मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी पेरिस की फर्स्ट ट्रिप के लिए. वेरी एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग, एंथुसियास्टिक और थ्रिलिंग. माई फर्स्ट पैराशूट जंप वॉज एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस. मतलब मेरा पहला पैराशूट जंप मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वेरी कॉस्टली. इसको आप बोल सकते हैं एक्सपेंसिव या प्राइसी. एग्जाम्पल, ब्रांडेड आइटम्स आर ऑलवेज प्राइसी बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग. मतलब ये एक्सपेंसिव तो होते हैं ब्रांडेड आइटम्स, बट लंबे समय तक चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लॉन्ग लास्टिंग, में लंबे समय तक चलने वाले. वेरी शाई एंड नर्वस मीन्स टिमिड और बैशफुल. इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं शी यूज टू बी टिमिड इन चाइल्डहुड बट नाउ शी इज ऑडेशियस. मतलब वो बचपन में तो शर्मीली थी बट अब वो बहुत बोल्ड है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वेरी परफेक्ट मीन्स फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल, अनब्लेमिश्ड. हर इंग्लिश इज फ्लॉलेस. मतलब उसकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है. यू कांट हेल्प नोटिसिंग हर फ्लॉलेस ब्यूटी. मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उसकी परफेक्ट ब्यूटी को नोटिस करने से. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, आप इन चारों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. वेरी स्लो, स्लगिश और लैगार्ड. एग्जाम्पल्स, अ हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश इन द आफ्टरनून. मतलब एक हैवी लंच मुझे स्लगिश बना देता है, स्लो बना देता है दिन के टाइम पे. जब मैं ज्यादा खाना खाता हूँ तो मैं स्लो हो जाता हूँ. वेरी पुअर, डेस्टिट्यूट, पेनीलेस और इंडिजेंट. शी फेल इन लव विद अ पेनीलेस आर्टिस्ट. मतलब वह एक गरीब आर्टिस्ट के साथ प्यार में पड़ गई. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वेरी रिच, वेल ऑफ, ऑप्युलेंट और वेल्दी. इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. द कपल लिव इन ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल एंड ट्रेवल ऑल टाइम. मतलब जो कपल था वो एक बहुत रिच लाइफस्टाइल में जीता था और हमेशा ट्रेवल करता था. वेरी हैप्पी, इलेटेड, एक्सटैटिक, jubilant, joyful और delighted. I am delighted to see you here. मतलब मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ. Annie was ecstatic about her promotion. Annie अपने promotion को लेकर बहुत खुश थी. Next word we have is, इन पांचों में से आप कोई भी use कर सकते हैं. Very sad, sorrowful, despondent, dispirited, dejected, melancholic. She was melancholic after her mother's death. मतलब वह अपनी माँ की death के बाद बहुत दुखी हो गई. He always remains despondent. वह हमेशा दुखी रहता है. वेरी फैट, ओबीस, कॉर्पुलेंट, चबी. जो लोग मोटे होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होते हैं. सम किड्स आर रियली चबी. कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ही मोटे होते हैं. ही इज टू कॉर्पुलेंट टू प्ले हैंडबॉल. मतलब वो हैंडबॉल खेलने के लिए बहुत मोटा है. वेरी इजी, सिंपल, एफर्टलेस, एज इजी एज पाई और स्ट्रेट फॉरवर्ड. एग्जाम्पल, वेन यू वॉच हर डांस इट लुक्स सो एफर्टलेस. मतलब जब उसका डांस देखते हैं तो वो देखने में बहुत ही आसान लगता है. This task is just as easy as pie. मतलब ये काम बहुत ही ज्यादा आसान है. Next one we have is very eager, keen, anxious, determined, impatient, desirous. He is desirous to get the manager's post. मतलब वह manager की post पाने के लिए बहुत उत्सुक था. They were keen to start the work as soon as possible. मतलब वो काम को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक थे. तो आप इन चार options में से कोई भी use कर सकते हैं. Next one we have is very strange, bizarre or peculiar. Examples, they saw a bizarre animal in the lake. उन्होंने झील में एक अनोखा सा अजीब सा जानवर देखा. The wine has a peculiar taste. शराब का टेस्ट कुछ अलग ही है, अजीब सा है. There is a very peculiar smell in here. मतलब यहाँ पे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है. तो आप peculiar word को इस तरह यूज कर सकते हैं. Bizarre को इसमें यूज कर सकते हैं. Very bright और dazzling. डेजलिंग इसकी जगह यूज कर सकते हैं. माई चाइल्ड गेव मी अ डेजलिंग स्माइल. मेरे बच्चे ने मुझे एक बहुत ही ब्राइट स्माइल दी. तो डेजलिंग का मतलब होता है वेरी ब्राइट. नेक्स्ट वी हैव इज वेरी कलरफुल. इसकी जगह यूज कर सकते हैं गुजरात इज वाइब्रेंट एंड फैसिनेटिंग सिटी.
गुजरात एक बहुत ही रंगीन और आकर्षक शहर है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं वाइब्रेंट को. नेक्स्ट वन वी हैव इज वेरी वीक, दैट इज मीन्स पावरलेस, इम्पोर्टेंट, फीबल और प्यूनी. एग्जाम्पल्स, आई फील इम्पोर्टेंट व्हेन माई चाइल्ड इज इल, मतलब जब मेरा बच्चा बीमार होता है तो मुझे बहुत ही वीक फील होता है. न्यू बॉर्न्स हार्ट बीट वॉज फीबल ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, मतलब लास्ट महीने में बच्चे की धड़कन बहुत वीक थी. नेक्स्ट वन वी हैव इज वेरी फेमस, प्रोमिनेंट, नोटेबल, रीनोन्ड. एग्जाम्पल्स, नरेंद्र मोदी जी इज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब नरेंद्र मोदी जी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं पूरे वर्ल्ड में. ही इज नोटेबल फॉर हिज एक्सक्लूसिव डांस परफॉर्मेंस, मतलब वो बहुत फेमस है अपनी एक्सक्लूसिव डांस परफॉर्मेंस के बारे में, उसे बहुत फेमस माना जाता है. लाइक टेरेंस लुइस और भी हैं, रेमो सर. इफ यू लाइक माई वीडियो सो फार देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स सो दैट दे कैन लर्न टू. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड.